माता रानी, अगर यही आपकी मर्जी है तो यही सही। ये मुझे डिवोर्स देना चाहते तो मैं इन्हें रोकूंगी नहीं, मैं भी इन्हें इस रिश्ते से आजाद कर दूंगी। शायद इसी में इनकी खुशी है। लेकिन माता रानी, मुझे एक बात का अफसोस रहेगा कि मेरे ऐसे वक्त में भी आपने मेरा साथ नहीं दिया। मैं इन पेपर्स पर साइन कर दूंगी। इन पर साइन नहीं करोगी। माता रानी की ये मर्जी नहीं है, इसीलिए मुझे उन्होंने यहां सही वक्त पर भेजा, क्योंकि मेरे बच्चे अभी तुम्हें और समीर को जिंदगी भर साथ निभाना है। शायद इसीलिए मुझे वो घर छोड़ना पड़ा। घर छोड़ना पड़ा मतलब? मालकिन ने मुझे घर से निकाल दिया। मम्मी जी ने आपको घर से निकाल दिया? लेकिन क्यों दाइमा? शायद उन्हें मेरा सच बोलना पसंद नहीं था। मैंने तो उनसे सिर्फ इतनी ही गुजारिश की थी कि वो तुम्हें और समीर को साथ रहने दें। दाइमा, आपने मेरे लिए ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, मैंने समीर के लिए भी किया। आप इस बिखरे हुए रिश्ते को क्यों जोड़ना चाहती? क्यों? क्योंकि मुझे पता है ये रिश्ता सिर्फ दिखने में बिखरा हुआ लगता है, लेकिन अंदर से बहुत मजबूत है। विभा ने तुमसे सच नहीं कहा कि समीर को ये सब कुछ करने के लिए उकसाया किसने था, मजबूर किसने किया था? किसने? मालकिन। क्या? अंबिका बेटा, तुम अब तक जो कुछ भी जानती हो वो आधी अधूरी सच्चाई है। उस वक्त समीर के पास और कोई रास्ता नहीं था। मैं ये नहीं कहूंगी कि समीर ने जो कुछ किया वो सही था, लेकिन हाँ इतना जरूर कहूंगी कि समीर अकेला दोषी नहीं है, वो तो सिर्फ एक मोहरा था। शायद तुम मेरी इस बात पर यकीन ना करो, लेकिन ये सच है कि समीर तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करने लगा है। अगर तुम उसे छोड़कर चली जाओगी तो वो टूट जाएगा, वो बिखर जाएगा। बच्चे दाइमा, उन्होंने खुद मुझे तलाक के पेपर साइन करके दिए, वो खुद मुझे अपनी जिंदगी से निकालना चाहते, तो फिर आप ही बताइए मैं कैसे रुक सकती हूँ? तुम्हें क्या लगता है ये तलाक के कागज साइन करने के लिए समीर ने तुम्हें? नहीं बेटा नहीं, इसके पीछे भी उस कौमी देवी का हाथ है। हाँ बेटा, तुम जो कुछ जानती हो वो आधी अधूरी सच्चाई है। बचपन से लेकर आज तक कामनी देवी ने समीर को सिर्फ इस्तेमाल किया है। उसी के कहने पर समीर ने तुमसे शादी की। अम्मी का कई बार आंखें देखती हूँ, सच नहीं होता, इसीलिए मैं तुम्हें बार बार पूछ रहा था कि तुमने शादी के लिए इनकार क्यों किया, लेकिन मॉम की वजह से मैं तुम्हें खुलकर बता नहीं पाया। पवित्र आदमी के साथ तेरे लिए मैंने इसके साथ, मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगा। कामनी देवी से अपनी ये हार बर्दाश्त नहीं हुई, उसने तुम्हें दांव पर लगाने वाली बात कह दी। अंबिका मेरे बच्चे, ना तो तुम समीर को ठीक से समझ पाई हो और ना ही कामनी देवी को। मुझे विश्वास नहीं होता, ये कोई बच्चे नहीं है कि कोई भी इनकी उंगली पकड़कर इन्हें कहीं भी ले जाए। दाइमा,
कोई माँ अपने बेटे की जिंदगी के साथ खेल सकती है? मुझे इस बात पे यकीन नहीं। पर अगर मैं कहूँ कि कामनी देवी समीर की सगी माँ ही नहीं है तो?